लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नई दिल्ली, बहुप्रतीक्षित फिल्म गुलाबों सिताबों का अब बस कुछ दिनों में प्रीमियर होना था, लेकिन इससे पहले ही स्क्रिप्ट राइटर जूही चतुर्वेदी पर चोरी का आरोप लगाया गया है। पुलिस में इसकी एक शिकायत दर्ज की गई है और निर्माताओं को कानूनी नोटिस भी भेजा गया है। हालांकि इन्होंने इन आरोपों को निराधार करार देते हुए खारिज कर दिया है और यह भी कहा है कि अनावश्यक विवाद खड़ा करने के लिए ही यह सब कुछ किया गया है। स्क्रिप्ट चुराने का आरोप अकीरा अग्रवाल ने लगाया, जो दिवंगत लेखक राजीव अग्रवाल की बेटी है। यह दावा किया गया है कि राजीव अग्रवाल ने सिनेस्तान इंडियाज स्टोरी टेलर स्क्रिप्ट कॉन्टेस्ट में 16 मोहनदास लेन नाम से एक कहानी लिखकर भेजी थी, जिसकी ज्यूरी में जूही भी शामिल थी। कानूनी नोटिस के अनुसार अग्रवाल ने मार्च 2018 में अपनी कहानी जमा की थी और बाद में उन्हें इस प्रतियोगिता में शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। 28 जून 2018 को प्रतियोगिता के लिए कहानी की अंतिम स्क्रिप्ट भी जमा की गई थी और ज्यूरी के सभी सदस्यों तक यह पहुंची थी। गुलाबों सिताबों के निर्माताओं को अकीरा अग्रवाल की ओर से वकील रिजवान सिद्दीकी द्वारा फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट देखने की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा गया है। अकीरा अग्रवाल ने इस संबंध में मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गुलाबों सिताबों की कहानी, इसकी पृष्ठभूमि और विषय 16 मोहनदास लेन से मिलती जुलती है। शिकायत में यह कहा गया है कि अकीरा अग्रवाल ने मध्यस्थता के लिए स्क्रीन राइटर एसोसिएशन से भी संपर्क किया है। एसोसिएशन ने चतुर्वेदी को अपनी स्क्रिप्ट जमा करने के लिए कहा, हालांकि वे ऐसा करने में विफल रही और उन्होंने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें यह स्क्रिप्ट कभी मिली ही नहीं थी। स्क्रीन राइटर एसोसिएशन ने कहीं न कहीं चतुर्वेदी का समर्थन करते हुए यह कहा है कि इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अकीरा ने इसके बाद सहायता और मार्गदर्शन के लिए सिद्दीकी से संपर्क किया। अब धोखाधड़ी, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन और कॉपीराइट उल्लंघन के लिए एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस से अनुरोध किया गया है कि निर्माताओं के कार्यालय से चोरी की गई स्क्रिप्ट की कॉपी को जब्त कर लिया जाए। इस बीच फिल्म के प्रोडक्शन हाउस राइजिंग सन फिल्म्स ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें इन दावों को गलत करार दिया गया है।